अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास पैडमैन है। जी हाँ, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय की मोस्ट अवेटेड फिल्म पैडमैन आज थिएटर्स पर दस्तक दे चुकी है। जहाँ ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये फिल्म कुछ खास नहीं लगी। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो इस फिल्म का सब्जेक्ट, स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड स्कोर सभी अच्छा था, लेकिन फिर भी इस फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा बहुत बोर कर देता है। इतना ही नहीं, लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर इस फिल्म में अक्षय नहीं होते तो ये फिल्म फिट जाती। अक्षय की लाजवाब एक्टिंग की वजह से ही इस फिल्म का सेकंड हाफ देखने का मन करता है। ये फिल्म अरुणाचल मुर्गनाथम की असल जिंदगी की कहानी पर आधारित है। उन्होंने महिलाओं के लिए सस्ते और अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स बनाए, जिसके लिए उन्हें कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये फिल्म उनके इसी संघर्ष को दर्शाती है। उनके संघर्ष को अक्षय ने बखूबी निभाया है। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो हमें जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।